नमस्कार, मेरा नाम निविल तिवारी है और मैं आप सभी का अचीवर्स आईएएस एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से मेंस का एक महत्वपूर्ण विषय दर्शन को लेकर आपके साथ एक चर्चा करना चाहता हूं और दर्शन जो सब्जेक्ट है उसको मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। तो ध्यान देंगे, जो दर्शन है, अगर हम इस दर्शन को पढ़ें तो सबसे पहले आपको ये बताना चाहता हूं, जो दर्शन है इसी को हम इंग्लिश में बोलते हैं क्या, फिलॉसफी। तो दर्शन का जो इंग्लिश में जो नाम वो क्या है, तो फिलॉसफी है। और आपको ये ध्यान देना होगा कि अगर मैं बात कर रहा हूँ किसका, फिलॉसफी का, जो फिलॉसफी है ये दो शब्दों से मिलकर बनता है, पहला फिलोस और दूसरा क्या, सोफिया। तो जो फिलॉसफी है वो आपका दो शब्द से मिलकर बनेगा, क्या क्या, एक फिलोस और दूसरा सोफिया। या जो फिलोस है, फिलोस से का जो अर्थ है वो क्या है, तो प्रेम है। तो फिलोस का यहाँ से शाब्दिक अर्थ क्या है, प्रेम। या प्रेम के अलावा क्या बोल सकता हूँ मैं, अनुराग। तो जो फिलोस है उसका जो शाब्दिक अर्थ क्या होगा, प्रेम या अनुराग। और वही जो सोफिया है, उस सोफिया का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो क्या होता है, तो ज्ञान होता है। आपको ये ध्यान देना होगा कि अगर मैंने यहाँ एक शब्द का उल्लेख किया, इसका नाम क्या है, सोफिया, तो सोफिया बल्गेरिया एक देश है, बल्गेरिया की ये क्या है, राजधानी है। और जो बल्गेरिया जो देश है, इसी देश के पास एक देश, इसका नाम क्या है, यूनान। और यूनानी जो होते थे, उन यूनानियों की जो ज्ञान की जो देवी होती थी उनको हम क्या बोलते थे, सोफिया बोलते थे। और आपको ये मालूम है कि हमारे भारत में जो ज्ञान की देवी वो कौन है, सरस्वती माता। तो उसी प्रकार जो सोफिया है वो यूनानियों की क्या रही, देवी माता रही। तो इसी सोफिया से हमें शब्द क्या मिला, ज्ञान, और फिलोस से हमें शब्द क्या मिला, प्रेम। तो मैं बोल सकता हूं कि जो फिलोसफी है, फिलोसफी का जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या है, तो ज्ञान के प्रति प्रेम या ज्ञान के प्रति अनुराग। तो कभी भी अगर आपसे पूछा गया कि फिलोसफी, जो फिलोसफी का परिभाषा क्या है, तो फिलोसफी क्या है, तो ज्ञान के प्रति प्रेम या ज्ञान के प्रति अनुराग ही हमारा क्या है, फिलोसफी है। इसी फिलोसफी को हम हिंदी में क्या बोल रहे हैं, दर्शन बोल रहे हैं। जब अगर इस फिलॉसफी को हम हिंदी में दर्शन बोलेंगे तो आपको यह ध्यान देना होगा कि जो दर्शन है वो दृश्य धातु से निकला है, और दृश्य का मतलब होता है देखना, देखकर जानना और समझना। मतलब देखना, जानना या और समझना, तो मैं एक अर्थ यह बना सकता हूं कि जिसके द्वारा देखा जाए। मतलब ऐसा ज्ञान, मतलब ऐसा ज्ञान या तत्व का ऐसा ज्ञान लिया जाए जो इंद्रिय अनुभव से हो, वही हमारा क्या है, दर्शन है। तो दर्शन जो है वो किस धातु से निकला है, दृश्य से निकला है। और जो दृश्य है, इस दृश्य का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो क्या होता है, देखना या जानना या समझना। तो ध्यान दो, देखोगे, जानोगे या समझोगे तो आपको क्या मिलेगा, ज्ञान। तो मैं ये बोल सकता हूं कि जो दर्शन है इसका शाब्दिक अर्थ क्या होगा, तो ज्ञान होगा। तो दर्शन का जो शाब्दिक अर्थ क्या बन गया, ज्ञान बना। अब आपको यह ध्यान देना होगा कि अगर मैंने यहां एक शब्द का उल्लेख किया है, क्या है, ज्ञान, तो ज्ञान का जो केंद्र वो क्या है, वेद। तो ज्ञान का केंद्र क्या हुआ, वेद हुआ। और आपको यह ध्यान देना होगा कि अगर मैं बात कर रहा हूं किसका, वेद का, तो वेद जो है, वेद भी एक धातु से निकलता है जो क्या है, विद है। और विद से क्या बनता है, विज्ञ, विज्ञ के अलावा क्या, विद्वान। मतलब जो वेद है, चूंकि वेद एक धातु से निकला जिसका नाम क्या है, विद है, और विद से भी क्या हो जाता है, ज्ञान। तो वेद को भी आप परिभाषित किससे कर सकते हो, ज्ञान से। मतलब दर्शन का भी जो शाब्दिक अर्थ क्या बन रहा है, ज्ञान। वेद का भी जो शाब्दिक अर्थ क्या बन रहा है, ज्ञान। मतलब अगर मुझे ज्ञान चाहिए तो मैं किस ओर जाऊंगा, वेद की ओर जाऊंगा। लेकिन आपको ये ध्यान देना होगा, जो वेद है, वेद हमारे भारतीय साहित्य में चार है, और चार वेद क्या क्या है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्वेद। ऐसा वेद जिसमें मंत्रों का संकलन है वो क्या है, ऋग्वेद है। इसके अलावा ऐसा वेद जिसमें हमें स्तुति परक क्या मिलेंगे, मंत्र मिलेंगे। मतलब हम मंत्रों का उच्चारण गाना गाकर करेंगे तो वो क्या होता है, सामवेद। वही अगर हम कर्मकांड और यज्ञ संबंधित कुछ नियम और कानूनों का संकलन देखेंगे तो वो किसमें है, यजुर्वेद में। और वही जादू टोना संबंधित या वस्तुशास्त्र संबंधित या आयुर्विज्ञान संबंधित जो हमारा वेद होगा वो क्या होगा, तो अथर्ववेद होगा। तो हमारे पास कितने वेद हैं, चार, क्या क्या, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। और इन चारों वेद में जो सबसे प्राचीन वेद है वो हमारा क्या है, ऋग्वेद है। तो मैं ये बोल सकता हूं कि ऋग्वेद ही हमारा ज्ञान का क्या हुआ, आधार हुआ। लेकिन आपको ये ध्यान देना है कि जो वेद है, ये वेद जितने भी जो लिखे हुए हैं, इन सभी वेदों को लिखने वाले कौन है, ब्रह्मा है। क्योंकि वेदों के रचयिता कौन है, ब्रह्मा।
और ब्रह्मा ने जो वेद लिखा वो संस्कृत भाषा में लिखा है, और जो वेद है वो पद्य रूपी में भी है। पद्य रूपी मतलब कविता शैली में है। अब आपको ये ध्यान देना होगा कि कविता शैली में अगर कुछ चीज है तो उसको समझना बहुत क्या होगा, कठिन होगा, बहुत जटिल होगा, क्योंकि कविता को समझाने वाला कौन होता है, कवि होता है, और यहां कवि के रूप में कौन है, ब्रह्मा। तो ब्रह्मा का तो आपको साक्षात्कार हो ही नहीं सकता, जब ब्रह्मा आपके सामने होंगे ही नहीं तो आप कैसे इस कविता को समझ पाओगे। इसलिए जो ज्ञान हमें कहां से मिलना था, वेद से, वो वेद से हमें ज्ञान नहीं मिलेगा, कि जो वेद है वो किस रूप में है, पद्य रूप में है, कविता शैली में है, इसलिए वेदों से हमें ज्ञान नहीं मिला। इसलिए अब यहां पर कौन जन्म लेंगे, ब्राह्मण। ब्राह्मण जो कि संस्कृत के ब्रीह धातु से निकलता है, ब्रीह का मतलब होता है विस्तार, और आपको अच्छे से मालूम है कि संसार में सिर्फ एक ही चीज का विस्तार होता है, वो क्या है, तो ज्ञान है। तो ज्ञान का ही सिर्फ क्या होता है, विस्तार। तो ज्ञान का विस्तार करने वाले कौन होंगे, ब्राह्मण। तो होगा ये कि इस पद रूप को गद्य रूप में कन्वर्ट करने वाले कौन होंगे, ब्राह्मण। तो वेद जो कि पद रूप में था, अब वही वेद किस रूप में आ जाएगा, गद्य रूप में आएगा, तो गद्य रूप का जो ग्रंथ बनेगा वो क्या बनेगा, ब्राह्मण। तो आप ये बोल सकते हो कि जो पद गद में कन्वर्ट हो जाता है, तो हमको ये अच्छे से मालूम है कि जब पद गद में कन्वर्ट होता है तो वो चीज क्या होता है, सरल हो जाता है। तो वेदों का जो सरलीकरण है वो क्या है, तो ब्राह्मण ग्रंथ है। मतलब जो मुझे ज्ञान मिलना था कहां से, ऋग्वेद से, अब वो ज्ञान मुझे कहां से मिलेगा, ब्राह्मण ग्रंथ से। तो ध्यान देना, हर वेद का अपना अपना क्या है, ब्राह्मण ग्रंथ है। जैसे ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ क्या है, ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ और कौस्तकी ब्राह्मण ग्रंथ, वैसे यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ क्या है, तो शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ और तैतरीय ब्राह्मण ग्रंथ। सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ क्या है, तो पंचविंश ब्राह्मण ग्रंथ, षड्विंश ब्राह्मण ग्रंथ, सामविधान ब्राह्मण ग्रंथ, ऋषि ब्राह्मण ग्रंथ, गोत्र ब्राह्मण ग्रंथ, वंश ब्राह्मण ग्रंथ और जैमिनी ब्राह्मण ग्रंथ। उसी प्रकार से अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ क्या हुआ, तो गोपद ब्राह्मण ग्रंथ। तो सभी वेदों का अपना अपना क्या है, ब्राह्मण ग्रंथ, और यही ब्राह्मण ग्रंथ वेदों का क्या हुआ, सरलीकरण। मतलब ज्ञान हमें कहां से मिला, ब्राह्मण ग्रंथ से। तो जब कभी हमें ज्ञान मिलता है तो इसी ज्ञान का हम मनन और चिंतन करते हैं, और इसका मनन और चिंतन करने के लिए हम एकांत अवस्था खोजते हैं। और ध्यान देना, प्राचीन समय में जो हमें एकांत अवस्था मिलता था वो कहां मिलता था, जंगल में। तो जंगल में जाकर हम इन ज्ञान का क्या किए, मनन और चिंतन किए। जब हम ज्ञान का मनन और चिंतन किए तो हमारे सामने क्या उठा, प्रश्न उठा। मनन और चिंतन करने के बाद हमेशा क्या उठता है, प्रश्न, और यही प्रश्न हमारे लिए क्या हुआ, रहस्य ज्ञान। तो ध्यान देना, यहाँ एक नया ग्रंथ आएगा जिसका नाम क्या हो जाएगा, अरण्य से अरण्यक। तो अरण्यक में क्या है, रहस्य ज्ञान। तो जो रहस्य ज्ञान है, मतलब रहस्य ज्ञान यहाँ पर क्या है, डाउट है। तो आपको ज्ञान के लिए आप कहाँ गए, वेद। ज्ञान मिला कहाँ, ब्राह्मण ग्रंथ में। और ब्राह्मण ग्रंथ में जो ज्ञान मिला वो क्या हुआ, डाउट। और डाउट को क्लियर करने के लिए आप कहाँ जाओगे, अपने गुरु के पास। तो गुरु के पास गए तो मतलब उपस्थित हुए, तो क्या हुआ, उप। नीचे बैठे तो नी से क्या हुआ, नी। बैठे तो क्या हुआ, सद। तो उपनिषद, तो उपनिषद क्या है, गुरु के समीप नीचे बैठकर ज्ञान अर्जित करना। और कैसे करना, उस डाउट को लेकर आप चर्चा करोगे, संवाद करोगे, वार्तालाप करोगे, किनके साथ, गुरु के साथ, तभी जाकर आपका ज्ञान क्या होगा, स्पष्ट ज्ञान। और इस स्पष्ट ज्ञान को हम क्या बोलेंगे, उचित ज्ञान। मतलब जो ज्ञान था वो ज्ञान हमें कहां मिला, उपनिषद से। तो अतः मैं ये बोल सकता हूं कि वेद जो है, इस वेद के दो अंग होंगे। पहला अंग क्या होगा, कर्मकांड, क्योंकि मैं बताऊंगा आगे चलकर जब वेद पढ़ाऊंगा कि वेद जो है उसमें मंत्रों का संकलन है, और उस मंत्रों के द्वारा हम प्रकृति के देवी देवताओं का क्या करते हैं, प्रार्थना करते हैं, ताकि हमें क्या मिले, भौतिक सुख मिले, क्योंकि हम क्या करते हैं, कर्मकांड की ओर जाते हैं। तो वेद का पहला भाग क्या हुआ, कर्मकांड, और वेद का जो अंतिम भाग वो क्या हुआ, ज्ञान, क्योंकि हमें उपनिषद से क्या मिला, ज्ञान। तो उपनिषद क्या है, ज्ञान कांड। तो इस प्रकार से मैं बोलता हूं कि अगर उपनिषद ज्ञान कांड है तो उपनिषद क्या है, वेदों का अंतिम भाग है। तो वेदों का अंतिम भाग है तो ये क्या हुआ, वेदांत। तो उपनिषद को हम और क्या बोलते हैं, वेदांत बोलते हैं। तो उपनिषद मतलब क्या हुआ, वेदांत। और मैं आपको बोल सकता हूं कि दर्शन का शाब्दिक अर्थ क्या था, ज्ञान था। उपनिषद का भी शाब्दिक अर्थ क्या हुआ, ज्ञान हुआ। तो अतः भारतीय दर्शन का जो आधार है वो क्या हुआ, तो उपनिषद हुआ। और इसी उपनिषद को हम क्या बोलते हैं, वेदांत बोलते हैं। और जब मैं आगे चलकर आपको एक वीडियो लेके आऊंगा जहां मैं दर्शन के संप्रदाय आपको बताऊंगा, तो हमें हम षड् दर्शन पढ़ेंगे। और षड् दर्शन में वेदों पर आधारित हम दो दर्शन पढ़ेंगे, एक का नाम होगा पूर्व मीमांसा और एक का नाम क्या होगा, वेदांत या उत्तर मीमांसा। तो आप देख सकते हो कि पूर्व मीमांसा वेद का पहला अंग, तो वो पूर्व मीमांसा में किसका चर्चा होगा, कर्मकांड का। और वहीं अगर मैं बात करूं किसका, वेदांत का, तो वेदांत में चर्चा किसका होगा, ज्ञान कांड का।
तो इस प्रकार से ये आपका क्या था, वेद था, ब्राह्मण था, अरण्यक था और उपनिषद था, और इनके बीच में एक महत्वपूर्ण क्या था, अंतर था। और कहीं ना कहीं हमने इस वीडियो के माध्यम से भारतीय दर्शन की परिभाषा को समझा और वेदों को समझा और वेदों के बीच में ये अंतर को समझा। अगर ये आपको वीडियो पसंद आया होगा तो मैं आगे चलकर आपको हर एक दर्शन का, चाहे वो चार्वाक दर्शन हो, जैन हो, बौद्ध हो, न्याय हो, वैशेषिक हो, सांख्य हो, योग हो, सभी दर्शन के एक एक वीडियो प्रस्तुत करूंगा जो आने वाले आपकी मुख्य परीक्षा के लिए काफ़ी उपयोगी होगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आप इसी तरह तरीके से मेरे से जुड़े रहिए। धन्यवाद।